नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीति शर्मा, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। आज हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं, समाज में जब से बाबा राम रहीम जी नहीं है क्या फर्क आया है, समाज में कितना चेंज लोगों ने फील किया है समाज में जब से बाबा राम रहीम जी नहीं है। हाँ जी सर, आपका नाम क्या है? रंजीत सिंह। रंजीत सिंह जी, आपका क्या काम है, क्या करते हो आप? मैं इलेक्ट्रिक शॉप है। ओके, आप शॉप करते हो। आपने देखा होगा कि पिछले समय में काफी चर्चा में रहा है एक टॉपिक, बाबा राम रहीम जी व डेरा सच्चा सौदा। अब हम देख रहे हैं कि काफी समय से बाबा राम रहीम जी समाज में नहीं है, आपका क्या कहना है, क्या फर्क लगा आपको जब से वो नहीं है समाज में? देखिए, जब बाबा जी समाज में थे जैसे आप बोल रहे हैं, तो हर महीने लाखों लोग दरबार में जाते थे, उनके वचन सुनते थे और उनसे गुरुमंत्र लेते थे। जो बुराइयां उनकी, कोई शराब पीता था, कोई कैसे जो भी थे, वो सब बुरे काम छोड़ के अच्छे काम करने लग जाते थे, तो लोग भलाई के कामों में ज़्यादा लगते थे। अब जब से पिताजी गए हैं, तो मैंने बाहर तो नहीं, हम पंजाब में देख रहे हैं, मैं पंजाब का रहने वाला हूँ, तो पंजाब में सभी को पता है कितना ड्रग माफिया उठा है, नशे कितने हुए हैं, कितने लोग ओवरडोज नशा करके अब मर रहे हैं, घरों के घर बर्बाद हो रहे हैं। कोई गरीब है, गरीब हो रहा है ज़्यादा, जो अमीर है वो नशा वगैरह में लग गए, नशा ज़्यादा बिक रहा है, जो बुरे काम हैं वो ही ज़्यादा बड़े हैं, उनके होते हुए ये काम नहीं था। देखिए, इन लोगों का कहना है कि हम पंजाब से हैं, हमने पंजाब में देखा है कि जब से बाबा राम रहीम जी समाज में नहीं है किस तरह से घरों के घर बर्बाद हो रहे हैं, गरीब और गरीब होता जा रहा है, नशे में घुसता जा रहा है, अमीर भी नशे में घुसता जा रहा है, नशा बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। ये वो लोग हैं जो समाज में रहते हैं और समाज में बता रहे हैं क्या अंतर आया है बाबा राम रहीम जी के ना रहने से। और बाबा राम रहीम जी ने समाज के लिए बहुत कार्य चलाए हुए थे, कितने कार्य हैं जो आपको लगता है जब से वो नहीं है वो कम हो गए हैं? बहुत से कार्य थे जो लोग भलाई के काम थे, जिसमें जैसे आप देखते थे, पहले मीडिया वाले तो देखते हैं, जैसे कोई सफाई वाहन होता था, किसी भी शहर में सफाई वाहन होता था, तो उनके एक बार कहने पे हमारी जो संगत है लाखों की तादाद में वहाँ पहुँच कर पूरे का पूरा शहर कुछ ही घंटों में साफ कर दिया करती। और जैसे कोई गरीब आदमी है, उसके पास मकान नहीं है रहने को, तो संगत उसका मकान बना के देती थी। और जैसे कोई गरीब आदमी है, उनके पास राशन देते थे, बच्चे हैं गरीब, उनको पढ़ाई करवाते थे, अब भी करवाते हैं, लेकिन अब थोड़ा जैसे प्रशासन का प्रेशर है उससे थोड़ा कम हो गया है। पहले सफाई वगैरह बहुत होती थी, अब आप ही देख लो इस बार जो डेंगू है कितना फैल गया है, ये सभी के सामने है, कोई माने ना माने सभी को पता है, कोई बोलता नहीं। देखिए, इनका कहना है कि पहले बाबा राम रहीम जी जब थे वो सफाई अभियान चलाते थे और उनके सफाई अभियान चलाने की भी एक अनोखी ही दास्तां थी कि जब वो सफाई अभियान चलाते थे कि लाखों लोग उनके एक बार कहने से पूरे शहर को साफ कर देते थे। और आज वो सफाई अभियान उनके एक बार कहने से बड़े बड़े नगरों को, दिल्ली को साफ किया है, आज वो नहीं हो रहा। और इस बार डेंगू की जो मात्रा है लोगों की बीमार होने की वो भी ज़्यादा है क्योंकि सफाई इतनी नहीं हो रही है। उन्होंने अपनी बात बताई कि कैसे समाज में जब से बाबा राम रहीम जी नहीं है कितना फ़र्क इनको लगा, क्या कुछ चेंजेस दुनिया में आए जब से वो नहीं है, कितना नशा बढ़ गया है समाज में, कितने ड्रग्स लोग ओवरडोज ले लेके आज मर रहे हैं बाबा राम रहीम जी के समाज में ना रहने की वजह से। जुड़े रहिए द फैक्ट टाइम के साथ, देखते रहिए लोगों की सच्ची बात, सच का साथ देने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आपके क्या विचार हैं हमारे वीडियो के लिए, हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए।